गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ कभी के चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है वो है बुद्धि के सिद्धांत। तो आज हम जानेंगे कि बुद्धि के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरा ये वीडियो बहुत लेट से आ रहा है। बीच में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और मेरे हाथ में भी चोट थी जिसकी वजह से मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी। तो आई एम सो सॉरी। तो आज हम लोग जानेंगे बुद्धि के सिद्धांत के बारे में, ठीक है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था बुद्धि की परिभाषा है, उसकी प्रकृति, विशेषता है और उसका अर्थ, ठीक है, और उसके प्रकार को भी मैंने वहां पे डिस्कस करा था। तो आज हम जानेंगे उसके सिद्धांत के बारे में, ओके। तो जो लोग अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो का लिंक डाल दूंगी, तो वहां से आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख पाओगे जहां पर बुद्धि के प्रकार, विशेषताएं, परिभाषाएं और बुद्धि के अर्थ और प्रकृति दिए हुए हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक बुद्धि के सिद्धांत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बीएड के एग्जाम में भी और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, सीटेट हो गया, टेट हो गया, रीट हो गया और जो कुछ भी है, सब में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उनके लिए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा उसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं ये वीडियो जो है वो बीएड के पर्पज से बना रही हूँ, तो इसमें मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और वीडियो के एंड में मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दूंगी जिससे कि आप सिद्धांत को याद कर पाओगे, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन सा सिद्धांत दिया था, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी है। आई होप कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। और उसके साथ साथ मैंने एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी डाल रखा है जो कि बीएड में पूछे जाते हैं जिस प्रकार से। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे जिससे कि आपको मेरे वीडियो का लाभ मिले। तो चलो फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बुद्धि का सिद्धांत। बहुत समय से बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जो थे ना, उन्होंने बुद्धि के सिद्धांत को लेके या फिर बुद्धि को लेके बहुत वाद विवाद चलते रहता था उनका, जो शिक्षाविद थे या फिर जो मनोवैज्ञानिक थे उनके बीच में, दे वाले कि एक्चुअली में ये बुद्धि है क्या, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि इंसान जिस तरीके से व्यवहार करता है उसी वही उसकी बुद्धि है, या तो फिर वो बुद्धिमान है या तो फिर वो बुद्धिहीन है। लेकिन इसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला है। लेकिन समय समय पर क्या होता था कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जो थे वो इसकी खोज करते रहते थे, तो उसी के बेसिस पे ये सिद्धांत मिला है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे यहाँ पे करीबन 10 सिद्धांत, ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखता है कि मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के संगठन के आधार पर निम्नलिखित सिद्धांत दिए हैं, ओके। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है एक कारक सिद्धांत, जिसको कि हम यूनिफैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं, द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। इसी प्रकार से यहाँ पे सारे सिद्धांत है, त्रिकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, त्रियाम सिद्धांत, द्रवीकृत घनीकृत बुद्धि सिद्धांत जिसको कि हम तरल ठोस सिद्धांत भी बोलते हैं, फिर बहुबुद्धि सिद्धांत और त्रितंत्र सिद्धांत। तो अभी हम इन सारे सिद्धांत के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो पहला है उसको हम देखेंगे एक कारक सिद्धांत, ठीक है, जिसको कि यूनिफैक्टर थियोरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखता है इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फर्ड बिने ने किया है। टमन और स्टर्न ने इस सिद्धांत का समर्थन किया था। उन्होंने बताया कि बुद्धि एक अविभाज्य तथा अखंड इकाई है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि तीव्र है तो किसी भी कार्य को दक्षता के साथ कर सकता है, परंतु आधुनिक मनोविज्ञान ने इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया है। तो यहाँ पे यही बोलना चाहते हैं एक कारक सिद्धांत जिसको कि अल्फ्रेड बिने ने दिया, प्रतिपादन करना मतलब इंट्रोड्यूस कराना, ठीक है। अल्फ्रेड बिने ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि बुद्धि जो है वो उसको कोई खंड नहीं कर सकता, उसको कोई अलग अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, खुद में एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जो कि व्यक्ति को सभी काम करने में दक्षता प्रदान करता है, ठीक है ना। तो इसी के लिए ये बोलते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति की बुद्धि तीव्र है तो किसी भी काम को दक्षता के साथ कर सकता है। तो उनका जो ये विचार था उसमें टर्मन और स्टर्न ने अपना समर्थन दिया, ठीक है, उन्होंने भी माना कि हाँ अल्फ्रेड बिने सही बोल रहे हैं। तो इस एक कारक सिद्धांत का यही तात्पर्य है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे द्विकारक सिद्धांत, जिसको कि हम टू फैक्टर थियरी भी बोलते हैं। इस सिद्धांत को ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में दो कारक होते हैं, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। स्पीयरमैन ने बुद्धि को दो योग्यताओं का योग माना है। सामान्य कारक व्यक्ति को सभी प्रकार के कार्यों में सहायता करती है और विशिष्ट कारक विशेष कार्यों में सहायता होती है। विशेष कार्य में प्रवीणता विशिष्ट बुद्धि कारक द्वारा प्राप्त होती है और सामान्य कार्य में
समान बुद्धि कारक सहायक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो द्विकारक सिद्धांत है जिसको कि हम टू फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं, तो इसको किसने दिया था? इसको दिया था स्पीयरमैन ने। ठीक है, उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने बताया कि हर इंसान में दो टाइप का फैक्टर होता है, एक होता है सामान्य कारक और दूसरा होता है विशिष्ट कारक, जिसको कि हम इंग्लिश में जनरल फैक्टर बोलते हैं और स्पेसिफिक फैक्टर बोलते हैं। तो इनका मानना था बुद्धि जो होती है ना वो दो योग्यताओं का योग है। यहाँ पे योग्यताएं क्या है? जी फैक्टर और एस फैक्टर। मतलब हर इंसान में सामान्य कारक भी होते हैं और विशिष्ट कारक भी होते हैं। सामान्य कारक से व्यक्ति हर एक कार्य को कर सकता है और विशिष्ट कारक हम उसको बोलते हैं जो इंसान सामान्य कारक को उपयोग करके विशिष्ट कारक को वो ग्रहण करता है। विशिष्ट कारक का एग्जांपल अगर हम ले ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर कोई भी व्यक्ति डांस में अच्छा है, कोई भी व्यक्ति सिंगिंग में अच्छा है, कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा चित्रकारी कर रहा है, तो ये क्या है? उसकी विशेषता है कि वो ये सब कुछ कर रहा है। और वही उसमें क्या होता है? विशिष्ट कारक होता है। ठीक है, जिसको कि हम सामान्य कारक के साथ, मतलब सामान्य कारक को उपयोग करके हम विशिष्ट कारक को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। तो अगर हम देख ले तो सामान्य कारक के बारे में अगर हम जानेंगे तो सामान्य कारक क्या होता है? ये कारक जो होता है ये जन्मजात, ये सब में ही पाया जाता है सामान्य कारक। ठीक है, और सामान्य कारक हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करता है? सामान्य कारक को उपयोग करता है और उसके बाद वो विशिष्ट कारक को ग्रहण करता है। ठीक है, विशिष्ट कारक मतलब ये जो है हर व्यक्ति में अलग अलग होता है और विशिष्ट कारक के कारण ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, कोई भी एक दूसरे के जैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे द्विकारक सिद्धांत का यही मतलब था। ठीक है, तो इसको प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने। ठीक है, तीसरा है यहाँ पे त्रिकारक सिद्धांत। ठीक है, त्रिकारक सिद्धांत जो है इसको भी देने वाले कौन थे? स्पीयरमैन ही थे। ठीक है, तो चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। उन्होंने द्विकारक सिद्धांत का संशोधन करते हुए बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है, उन्होंने इस कारक में ऐसी योग्यताओं को स्थान दिया जो सामान्य कारक और विशिष्ट कारक दोनों के मध्य का स्थान रखती है। क्या होता है? दोनों के मध्य का स्थान रखती है। समूह कारक विभिन्न सामान्य कारक तथा विशिष्ट कारक के मिश्रण से अपना समूह बनाती है। ठीक है, परंतु अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत की आलोचना की। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे स्पीयरमैन? स्पीयरमैन जो थे, पहले उन्होंने द्विकारक सिद्धांत की रचना की, प्रतिपादन किया उसका, उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद उन्होंने उसको संशोधित किया, उसको समझा बूझा, उसको फिर से ठीक किया, उन्होंने फिर त्रिकारक सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया त्रिकारक सिद्धांत में कि हर इंसान में जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर होता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया? जी फैक्टर और एस फैक्टर को जोड़ दिया। इस सिद्धांत के द्वारा स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि की जो परीक्षण होती है ना उसमें इन तीन कारकों की आवश्यकता होती है, जो कि सामान्य बुद्धि कारक, ठीक है, और उसके बाद विशिष्ट बुद्धि, और उसके बाद भाषा या अस्थानात्मक ज्ञान। ठीक है, तो त्रिकारक सिद्धांत में स्पीयरमैन ने संशोधन करने के बाद यही बताया, हर व्यक्ति में जी और एस दोनों होता है। इनका बोलने का मतलब यही था। ठीक है, द्विकारक सिद्धांत में उन्होंने क्या बोला था कि बुद्धि जो होती है वो दो योग्यताओं का योग होता है। ठीक है, त्रिकारक उन्होंने बताया कि इन दोनों के साथ साथ तीसरा का होना भी जरूरी है, जो कि भाषा या अस्थानात्मक ज्ञान है। ठीक है, तो यही है उनका त्रिकारक सिद्धांत, जिसको कि आगे चल के जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, उन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना की। ठीक है, तो नेक्स्ट है बहुकारक सिद्धांत, जिसको कि हम मल्टी फैक्टर थियरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इनके अनुसार बुद्धि कई प्रकार की शक्तियों का समूह है और विभिन्न प्रकार की शक्तियों में किसी भी प्रकार की समानता आवश्यक नहीं है। थॉर्नडाइक बुद्धि के समान तत्व को नहीं मानते। उनके विचार से सभी मनुष्यों की बुद्धि विशेष होती है। उन्होंने बताया कि यदि किसी को एक विषय का ज्ञान है तो उससे उसके दूसरे विषय की योग्यता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि को तीन भागों में विभाजित कर दिया। पहला क्या है? सामाजिक है, फिर मूर्त है, फिर अमूर्त है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बुद्धि के प्रकार में भी बताया था, थॉर्नडाइक ने ही बोला था कि सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि, उसी प्रकार से यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी है कि कोई भी इंसान को हम उसके एक फील्ड से दूसरे फील्ड में हम उसको जज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि कोई अगर एक फील्ड में सही है तो क्या वो दूसरे फील्ड में भी सही होगा? उनका ये मानना था कि नहीं, हर इंसान जो होता है उसकी अलग अलग विशेष योग्यताएं होती है। जरूरी नहीं है कि अगर वो गणित में तेज है तो वो विज्ञान में भी तेज होगा, जरूरी है कि उसको हिस्ट्री का पता है तो उसका ज्योग्राफी भी सही होगा। इनका यही बोलने का मतलब था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बुद्धि को तीन भागों में बांट दिया। पहला जो है वो सामाजिक, दूसरा जो है वो मूर्त और तीसरा जो है वो अमूर्त, मतलब
सामाजिक बुद्धि समाज सेवी जो बनते हैं, ठीक है, मूर्त बुद्धि जो कि चीजों को छू सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें लोग क्या बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, मैकेनिकल बनते हैं, ठीक है। और अमूर्त बुद्धि में क्या हो जाता है, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप देख नहीं सकते हो, आप बस उसके बारे में चिंतन मनन कर सकते हो। ये एक प्रकार का पुस्तकीय ज्ञान हो गया, ठीक है। तो ऐसे में लोग क्या बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, साहित्यकार बनते हैं, संगीतकार बनते हैं, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके अमूर्त बुद्धि के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे समूह कारक सिद्धांत, जिसको कि हम ग्रुप फैक्टर थियरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर थॉस्टन ने किया। उन्होंने बताया बुद्धि एक दो तीन या बहुत ना होकर समूह तत्व के रूप में कार्य करती है, अर्थात बुद्धि इकाई ना होकर इकाइयों का समूह है जो व्यक्ति के किसी भी क्षेत्र में उसकी बुद्धि का प्रदर्शन करता है। थॉस्टन ने विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि में निम्न 7 मानसिक प्राथमिक योग्यताएं होते हैं, ठीक है। तो थॉस्टन का मानना था कि बुद्धि जो होती है वो कोई एक इकाई नहीं है, वो इकाइयों का समूह है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए और उसके बाद उन्होंने बताया कि बुद्धि जो होती है उनमें ये 7 मानसिक प्राथमिक योग्यताएं अवश्य होती है, मतलब उनके अकॉर्डिंग हर इंसान में ये 7 मानसिक प्राथमिक योग्यताएं होती ही होती है। पहला है सांख्यिकी योग्यता, जिसको कि हम नंबर एबिलिटी बोलते हैं। दूसरा है शाब्दिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी। स्थान संबंधी योग्यता, स्पेशल एबिलिटी। शब्द परवाह, वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी। तार्किक योग्यता, रीजनिंग एबिलिटी। स्मृति संबंधी योग्यता, मेमोरी एबिलिटी। प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता, जिसको कि हम परसेप्चुअल एबिलिटी भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थॉस्टन, जो कि समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादन थे, उनके द्वारा ये 7 मानसिक प्राथमिक योग्यताओं का परीक्षण किया गया था, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू थॉस्टन कि इंटेलिजेंस जो है वो NVSWRMP से मिलके बना होता है। जस्ट नाउ मैंने बताया N फॉर नंबर, V फॉर वर्बल, S फॉर स्पेशल, W फॉर वर्ड फ्लुएंसी, R फॉर रीजनिंग, M फॉर मेमोरी एबिलिटी और P फॉर परसेप्चुअल, ठीक है। तो ये होता है आपका कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू थॉस्टन। जब उन्होंने ये परीक्षण किया ना, तो उसके बाद उन्होंने ये बुक लिखा, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे पदानुक्रमिक सिद्धांत, जिसको कि हम हायरार्किकल थ्योरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन बर्ट एवं वर्नर ने किया है। किसने किया है? बर्ट एवं वर्नर ने, ठीक है। इन्होंने बताया कि मानवीय योग्यताएं एवं क्रमिक रूप में व्यवस्थित होती है, ठीक है। इन्होंने स्पीयरमैन के सामान्य मानसिक योग्यताओं को उच्च स्थान पर रखा है, फिर उसके विभाजन और उप विभाजन किए गए तथा इसकी संरचना पिरामिड के समान रखी गई। पिरामिड कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। सामान्य कारक, मुख्य समूह कारक, लघु समूह कारक, विशिष्ट कारक। सामान्य कारक सभी प्रकार के कार्यों में सहायक होती है, ठीक है। सामान्य कारक को 2 मुख्य कारकों में बांटा गया है। तो पहला यहाँ पे बांटा है शाब्दिक व शैक्षिक योग्यताएं और दूसरा है गतिक व यांत्रिक योग्यताएं, ओके। तो यहाँ पे जो कुछ मैं बता रही हूँ उसको आप लोग गौर से सुनना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन बर्ड एवं वर्नर ने किया था, ठीक है। तो बर्ड जो थे सबसे पहले 1949 में इस सिद्धांत को लेके आए थे, पदानुक्रमिक सिद्धांत को, ठीक है। उसके बाद से फिर वर्नर 1950 में क्या किए, इसको और भी आगे तक लेके गए, ठीक है। 1950 में वर्नर जो थे वो पदानुक्रमिक सिद्धांत को और आगे तक लेके गए, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है, इन्होंने स्पीयरमैन के सामान्य मानसिक योग्यताओं को उच्च स्थान पर रखा। किन्होंने? वर्नर ने। वर्नर ने क्या किया कि जो उन्होंने स्पीयरमैन का जो सामान्य मानसिक योग्यता का जो सिद्धांत है उसको उन्होंने सबसे ऊपर रखा, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्मार्ट मूव लिया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि स्पीयरमैन का जो सिद्धांत था और जो बहुकारक सिद्धांत था, उन्होंने क्या किया, दोनों के बीच का जो कार्य था वही किया उन्होंने। उन्होंने क्या किया कि उसको विभाजन किया और उसके उप विभाजन किए तथा इसकी संरचना एक पिरामिड के समान रखी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले सामान्य कारक हुआ, फिर मुख्य समूह कारक हुआ, फिर लघु कारक हुआ और फिर विशिष्ट कारक हुआ। तो यही है आपका पिरामिड सेप, ठीक है, जो इन्होंने रखा। और सबसे टॉप पे किसको रखा, सामान्य कारक, ठीक है। जो भी बच्चे होते हैं, जो 1 से 12 साल वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें सामान्य कारक बुद्धि कार्य करती है, ठीक है, क्योंकि वो उतने ज्यादा मैच्योर नहीं हुए रहते हैं, तो उनमें जी फैक्टर काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मुख्य समूह कारक में। तो इसमें क्या होता है, 12 से लेकर 14 साल या फिर 16 साल आप ले लो, ठीक है, वहां तक के बच्चे क्या होते हैं, ये इस श्रेणी में आते हैं मुख्य समूह कारक में, ठीक है। वो चीजों को समझते हैं, करते हैं, लेकिन उतने ज्यादा मैच्योर नहीं है। लेकिन जो उसके बाद है, ठीक है, 16 और 18 के बाद, वो किसमें आ जाते हैं,
विशिष्ट कारक में क्या होते हैं, तब तक उनका बुद्धि मैच्योर हो जाता है ना, तो वो विशिष्ट कारक में आ जाते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं ये जो सामान्य कारक है उसके दो मुख्य कारकों में बांटा गया है इनको, किसको किसको, पहले जिसको कि हम वेद बोलते हैं और दूसरा है KM। तो इसका मतलब हो गया कि शाब्दिक व शैक्षिक योग्यताएं और दूसरा का हो गया गतिक व यांत्रिक योग्यताएं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कंपेयर किया गया है वर्नन्स के हायरार्किकल थ्योरी को इस ट्री के साथ, ठीक है। तो जी फैक्टर को कंपेयर किया गया है उसके जड़ के साथ, और मेजर ग्रुप फैक्टर को उसके ट्रंक के साथ, माइनर ग्रुप फैक्टर को उसके ब्रांचेस के साथ, और स्पेसिफिक फैक्टर को उसके फ्रूट के साथ, ठीक है। इसको और स्पेसिफिक तरीके से समझने के लिए और अच्छे तरीके से समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे। तो यहाँ पे जो है ये मैंने एक स्लाइड डाला है, तो इस डायग्राम के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जनरल एबिलिटी दे रखा है, ठीक है। इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं जिसको कि हम लोग मेजर ग्रुप फैक्टर बोलते हैं। तो पहला आ जाता है यहाँ पे वर्बल एजुकेशन, जिसको कि हम शाब्दिक व शैक्षिक योग्यताएं बोलते हैं, और दूसरा आ जाता है यहाँ पे स्पेशल मैकेनिकल, ठीक है, जिसको कि हम गतिक व यांत्रिक योग्यताएं बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो मेजर फैक्टर है ना आपका, इसको हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे माइनर ग्रुप फैक्टर में, ओके। तो जो आपका वर्बल एजुकेशन है, जो आपका शाब्दिक व शैक्षिक योग्यताएं हैं, वो डिवाइड होता है क्रिएटिव एबिलिटीज में, वर्बल फ्लुएंसी में, और न्यूमेरिकल फैक्टर में। जो भी क्रिएटिव एबिलिटीज है आपके अंदर उसमें, और जो भी अंक का ज्ञान है वो इस लेवल में आके क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा ज्यादा परिपक्व हो जाते हैं हम उस चीज में, जो भी आपका वर्बल फ्लुएंसी है, जो भी आपका न्यूमेरिकल फैक्टर है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग स्पेशल मैकेनिकल में भी क्या होता है, जिसको कि हम लोग गतिक व यांत्रिक योग्यताएं बोलते हैं, इसमें भी क्या होता है, हम लोग आके इस लेवल में माइनर ग्रुप फैक्टर में हम लोग क्या होता है, थोड़ा परिपक्व हो जाते हैं। जो भी आपका स्पेशल फैक्टर है, जो भी आपका साइकोमोटर फैक्टर है और मैकेनिकल इन्फॉर्मेशन फैक्टर है, ठीक है। और उसके बाद ये सारे डिवाइड होते हैं अपने अपने स्पेसिफिक फैक्टर में। अब बोलते हैं कि जो क्रिएटिव एबिलिटीज है जिसके अंदर, उसका भी एक स्पेसिफिक फैक्टर होगा, उसकी भी अलग अलग विशेषताएं होंगी, ठीक है। हर कोई क्रिएटिव जरूर होता है, लेकिन हर कोई एक चीज में क्रिएटिव नहीं होता है, हर एक की अलग अलग विशेषताएं होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये स्पेसिफिक फैक्टर में डिवाइड हो गया, तो ये भी बट गया, वर्बल फ्लुएंसी भी आपका बट गया, न्यूमेरिकल फैक्टर भी बट गया, सिमिलरली आपका इधर भी सारे स्पेसिफिक फैक्टर में बट गए, ठीक है। तो यही होता है आपका जनरल एबिलिटीज, जिसको कि वर्नन और बर्ट ने क्या बताया कि ये किस तरीका का होता है, ये होता है आपका पिरामिड शेप का, मतलब ये सारे आपके पिरामिड शेप में आते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने किसको रखा, इन्होंने रखा जी को, जो कि सामान्य कारक है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने इसको डिवाइड करा, फिर उसको भी डिवाइड करा, फिर उसको भी डिवाइड करा, तब आपके यहाँ पे आते हैं स्पेसिफिक फैक्टर, जिसको कि इन्होंने सबसे लास्ट में रखा है, ठीक है। तो यही है आपका पदानुक्रमिक सिद्धांत, ठीक है। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और किसी को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बेहिचक आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पे त्रियाम सिद्धांत, जिसको कि हम सक्रिय उत्पादन सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्री डायमेंशनल थ्योरी, जो कि 1967 में आया था, ओके। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया था। इनके अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख तीन तत्वों से निर्मित होते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पे संघ क्रिया, जिसको कि हम ऑपरेशन बोलते हैं, फिर दूसरा है विषय वस्तु, जिसको कि हम कंटेंट बोलते हैं, और तीसरा है उत्पादन, जिसको कि हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस सिद्धांत को और भी डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है, तो इसको बुद्धि संरचना मॉडल भी बोलते हैं, बॉक्स मॉडल भी बोलते हैं, और घनाकार कॉस्ट मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम में पूछे तो कभी घबराना मत, क्योंकि त्रियाम सिद्धांत का ही नाम सक्रिय उत्पादन सिद्धांत, बुद्धि संरचना मॉडल, बॉक्स मॉडल और घनाकार कॉस्ट मॉडल है, ठीक है। तो अब गिलफोर्ड ने क्या किया, इन तीन तत्वों को उप तत्वों में बांटा, ठीक है। तो गिलफोर्ड का मानना था कि जो भी बौद्धिक कार्य होते हैं इंसान का, जो भी मानसिक प्रक्रिया होती है, वो क्या होती है, तीन तत्वों में निर्मित होती है, ठीक है। किसमें किसमें, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट में, ठीक है, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन में। तो यहाँ पे संक्रिया का मतलब, अगर मैं बहुत इजी वे में बताऊं, अगर कोई भी बच्चा किसी भी कार्य को करता है, ठीक है ना, जो भी उसमें जिसमें उसकी मानसिक प्रक्रिया होती है और जिसमें उसका बौद्धिक कार्य होता है, तो पहले क्या होता है उसमें, उसे पहले ऑपरेशन होता है, ठीक है, कि उसको उस चीज पे पहले वो चिंतन करता है, मनन करता है, सोचता है, अच्छा इस चीज को ऐसे करना है, ठीक है। अब उस कार्य में लगने वाली जो जो भी विषय वस्तु है उसको वो इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद जब वो कार्य करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो होता है आपका प्रोडक्ट।
अगर इसको और इजी वे में मैं आपको समझाती हूँ तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई ऐसा कार्य करते हैं, सपोज दैट कि हमें घर पे पनीर बनाना है, ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं उसके बारे में सोचते हैं। तो जो सोचने की प्रक्रिया होती है ना, वो आपका ऑपरेशन हो गया, संक्रिया हो गया, ठीक है। वहां पे आप सोचते हो कि अच्छा अगर मेरे को पनीर बनाना है तो उसके लिए दूध लेना पड़ेगा, उसके लिए विनेगर लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आप यहाँ पे चिंतन मनन कर रहे हो, आप उसको अपनी बुद्धि में घुसा रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, विषय वस्तु, अब आपको वो चीजें चाहिए, वो सामग्री चाहिए, ठीक है, आपको दूध चाहिए, विनेगर चाहिए, पतीला चाहिए, ठीक है, जिसमें आप दूध को रख सको और उसके बाद उसको प्रिपेयर कर सको, ठीक है। अब उसके बाद जब आपको वो सारी चीजें मिल गई, फिर आपने जो तैयार किया, तो उसका जो रिजल्ट आया, जो आपका पनीर बना, वो आपका क्या है, वो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यही होता है आपका ये तीन तत्वों का मतलब, ठीक है, कि पहले आप किसी भी वस्तु को जब करना होता है तो उस चीज को चिंतन मनन करते हो, उस चीज को अगर, और एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, अगर उसको कोई टॉपिक पढ़ना है तो पहले क्या करेगा, वो टॉपिक को लेगा, पहले तो वो उस चीज के बारे में सोचेगा, अच्छा चलो ठीक है मुझे पढ़ना है, तो वो पढ़ने के लिए बैठा, वो टॉपिक उसके दिमाग में आया, उस चीज को वो सोचा समझा, उसको अपने दिमाग में घुसाया। उसके बाद अब उसको पढ़ना है तो उसको बुक चाहिए, उसको मटेरियल चाहिए कि कहाँ से वो सारे चीजें, वो सारे कंटेंट उसको मिलेंगे, वो उसको लेके आते हैं, वो उसका विषय वस्तु हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जब वो पढ़ा और उसके बाद जो उसका रिजल्ट आया, वो उसका प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। तो ये आपका इसका मतलब। अब इसको भी गिलफोर्ड ने क्या किया है, इसको उप तत्वों में बांटा है, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में उसको देख लेंगे, ओके। संक्रिया है, विषय वस्तु और उत्पादन है, जिसको कि बांटा गया है। तो संक्रिया में पहले क्या है, मूल्यांकन है, स्मृति है, संज्ञानात्मक है, अब सारी चिंतन है और अभी सारी चिंतन है, ठीक है। पहले हम चीजों को मूल्यांकन करते हैं, फिर उसको अपने स्मृति में घुसाते हैं, फिर उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है, समझते हैं उन सारी चीजों को, फिर अब सारे चिंतन और अभी सारे चिंतन, उसको हम लोग बहुत अच्छे से सोचते हैं और समझते हैं। फिर विषय वस्तु में चित्रात्मक, संकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक और श्रवण, ठीक है। और उसी प्रकार से उत्पादन में फिर उसकी इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, प्रत्यावर्तन और निहितार्थ। इसको मैं अच्छे से डायग्राम में समझाती हूँ। तो मैंने भी आपको बताया था कि ये बॉक्स मॉडल के भी नाम से जाना जाता है, तो ये रहा आपका बॉक्स मॉडल, और इसमें भी इसको बांट के बताया गया है, ठीक है। कंटेंट इसमें इसको पांच भागों में बांटा है, फिर प्रोडक्ट है जिसको कि उन्होंने छह भागों में बांटा है, फिर ऑपरेशन है जिसको कि उन्होंने पांच भागों में बांटा है, ओके। आई होप कि आपका ये क्लियर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे द्रवीकृत घनीकृत बुद्धि सिद्धांत, जिसको कि हम फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थियरी भी बोलते हैं, ओके। इसको हम लोग तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन आरबी केटल ने 1963 में किया था। इन्होंने इस सिद्धांत के द्वारा बुद्धि के दो महत्वपूर्ण कारक बताए थे, तो कौन कौन से बताए थे, पहले है द्रवीकृत और दूसरा है घनीकृत, ठीक है। तो द्रवीकृत बुद्धि का मतलब इन्होंने समझा है कि द्रवीकृत बुद्धि जो होती है वो स्पेयरमैन के जी कारक के समान होती है, तथा इसमें मुख्यतः तर्क शक्ति निहित होती है, जिस चीज को हम सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, वो इसमें निहित होती है, ठीक है। अब दूसरा हम देख लेंगे घनीकृत बुद्धि। तो ये क्या बोलता है, घनीकृत बुद्धि का निर्धारण वातावरणीय कारकों द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है, वातावरणीय कारकों द्वारा होता है। इस बुद्धि में उन क्षमताओं को रखा जाता है जिन्हें व्यक्ति अपने द्रवीकृत बुद्धि का उपयोग करके अर्जित करती है। इस बुद्धि का विकास प्रौढ़ावस्था तक होता है, परंतु मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को समर्थन नहीं दिया और कहा कि बुद्धि अपने में एक पूर्ण इकाई है और उसका निर्धारण अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों ही करती है, ठीक है। तो इनका बोलना था, पहले तो इन्होंने बोला कि द्रवीकृत क्या है, स्पेयरमैन के जी कारक के समान होता है, जिसमें चिंतन मनन होता है, और दूसरा इन्होंने बताया कि घनीकृत बुद्धि जो होती है वो द्रवीकृत को हम लोग उपयोग करके अर्जित करते घनीकृत बुद्धि वातावरण से, ठीक है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने क्या बोला कि नहीं, उन्होंने इस सिद्धांत को समर्थन देने से मना किया। उन्होंने बोला कि बुद्धि खुद में ही एक पूर्ण इकाई है, और जो बुद्धि होती है ना, वो सिर्फ वातावरण से नहीं, वो अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों ही का मिश्रण होता है, मतलब उसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो यही बोलना था आपका आरबी केटल का द्रवीकृत घनीकृत बुद्धि सिद्धांत में, ओके। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसको कि हम मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी भी बोलते हैं, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन होवर्ड गार्डनर 1983 में किए थे, ठीक है। इन्होंने बताया कि बुद्धि कोई एक तत्व से नहीं बल्कि कई विभिन्न बुद्धियों से मिलकर बनी हुई है। इनका कहना था कि बुद्धि को एक तत्व से नहीं बनी है, वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी, मतलब बहुत सारी विभिन्न बुद्धियों से मिलकर बनी है, और प्रत्येक बुद्धि स्वतंत्र होकर कार्य करती है। हर एक बुद्धि जो होती है वो
बंध के नहीं, वो स्वतंत्र होकर कार्य करती है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति में एक तरह की बुद्धि अधिक हो तो उससे यह पता नहीं लगाया जा सकता कि किसी अन्य प्रकार की बुद्धि कैसी होगी। मतलब कोई बच्चा अगर पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज है तो आप ये नहीं अनुमान लगा सकते हो कि वो डांस में भी अच्छा होगा, सिंगिंग में भी अच्छा होगा, है ना। उन्होंने कुल 7 तरह की बुद्धि दी। तो जो गार्डनर जो थे, इन्होंने कितनी प्रकार की बुद्धि दी? 7 तरह की बुद्धि इन्होंने बताया। तो हम लोग देख लेंगे कि वो 7 तरह की बुद्धि कौन कौन सी है। तो ये 7 प्रकार की बुद्धि है। पहला है भाषाई बुद्धि, जिसको कि हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बोलते हैं। दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि, जिसको कि हम लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तीसरा है स्थानीय बुद्धि, जिसको कि हम स्पेशल इंटेलिजेंस बोलते हैं। और चौथा है शरीर गतिकी बुद्धि, जिसको कि हम बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंस बोलते हैं। संगीत बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, व्यक्तिक आत्म बुद्धि, पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस, और व्यक्तिक अन्य बुद्धि, जिसको कि हम पर्सनल अदर इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब हम देख लेंगे कि ये सारी चीजें होती क्या है, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं भाषाई बुद्धि। तो यहाँ पे लिखता है ऐसे व्यक्तियों को भाषाओं तथा शब्दों का बहुत ज्ञान होता है। क्या होता है? उनको भाषाओं तथा शब्दों का बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। इन्हें भाषाओं को समझना तथा शब्दों का प्रयोग करना बहुत अच्छी तरह आता है। ऐसे व्यक्ति शब्दों को, गहराई को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मतलब यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो शब्दों की गहराई को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, जिनको भाषा और शब्द का अच्छे तरीके से प्रयोग करना आता है, उनको समझ में आता है, उनके पास क्या होता है? भाषाई बुद्धि होता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, आगे चल के क्या बनते हैं? वो लेखक बनेंगे, साहित्यकार बनेंगे, या फिर शिक्षक बनते हैं जो कि लेक्चरर होते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा देख लेंगे तार्किक गणितीय बुद्धि। तो यहाँ पे लिखते हैं ऐसे व्यक्तियों को तर्क करने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता तथा अंकों को समझने की क्षमता आदि का गुण होता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो कि तर्क करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, समस्या किसी भी समस्या को समाधान करने की क्षमता रखते हैं या फिर अंकों को समझने की क्षमता रखते हैं, तो उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? उनमें तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है। तो ऐसे लोग आगे जाके क्या बनते हैं? ऐसे लोग आगे जाके या तो मैथमेटिशियन बनेंगे, या तो वकील बनेंगे, या तो फिर वैज्ञानिक बनेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्थानिक बुद्धि। ये बोलता है ऐसे व्यक्तियों में स्थानिक चित्रण व कल्पना शक्ति अधिक होती है। तो ऐसे लोग क्या बनते हैं? या तो ये मूर्तिकार बनेंगे या तो फिर कारीगर बनेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन सा स्थान का क्या चीज विशेष है, ठीक है। या तो फिर आप देखोगे वो जो गाइड बनते हैं ना, जब आप घूमने कहीं जाते हो तो आपको बताते हैं जगह के बारे में, तो फिर वो बनेंगे, ठीक है। वैसे लोग में ही स्थानिक बुद्धि अधिक होती है। नेक्स्ट है शरीर गति की बुद्धि। तो यहाँ पे लिखते हैं इस बुद्धि का तात्पर्य शरीर गति पर नियंत्रण करने वो इसमें प्रवीणता लाने की क्षमता से होता है, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, देखोगे कि जो अपने शरीर की गति पर नियंत्रण कर पाते हैं, जो कि मुक्केबाज होते हैं ना, जो मुक्केबाजी करते हैं, या फिर एथलीट हो गए, जो खिलाड़ी होते हैं, तैराक होते हैं, डांसर्स होते हैं, उनमें क्या होती है? अपने शरीर पर नियंत्रण करने की एक क्षमता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देख लेंगे संगीत बुद्धि, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं ऐसे व्यक्तियों की रुचि संगीत में होती है। इन्हें लय, सुर, ताल आदि का अच्छा ज्ञान होता है। देखते हो ना, जो संगीतकार होते हैं, जो म्यूजिशियन होते हैं, उनमें क्या होता है? उनको पता होता है कि अच्छा कहाँ सुर लगाना है, कहाँ ताल देना है ना, कहाँ पे लय बैठाना है। तो ये होता है आपके संगीतकार जो कि बनते हैं, उनमें होती है संगीत बुद्धि, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेंगे व्यक्तिक आत्मबुद्धि। तो ये होते हैं ऐसे व्यक्तियों में अपने भावों व संवेगों को समझने, विभेद करने तथा खुद के व्यवहार को निर्देशित करने की क्षमता समाहित होती है, ठीक है। जो खुद को समझते हैं, अपने इमोशंस को समझते हैं, वैसे जो खुद में रहते हैं, ठीक है, उनको खुद का समझना अच्छा लगता है, मतलब वो समझ सकते हैं। तो वैसे लोगों में क्या होता है? व्यक्तिक आत्मबुद्धि ज्यादा होती है। तो ऐसे लोग क्या बनते हैं? ऐसे लोग विचारक बनेंगे, दार्शनिक बनेंगे, ठीक है, साहित्यकार बनेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं व्यक्तिक अन्य बुद्धि। ऐसे व्यक्तियों में अन्य व्यक्तियों की इच्छा, अपेक्षा, आवश्यकता आदि को समझने की क्षमता होती है। वैसे व्यक्ति जो दूसरे की इच्छा, अपेक्षा, आवश्यकता को समझते हैं, उसको उसमें उनमें सबसे ज्यादा क्या होती है? व्यक्तिक अन्य बुद्धि होती है। तो ऐसे लोग आगे जाके क्या बनते हैं? ऐसे लोग बनते हैं जंतु वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, जो चीजों को समझते हैं, ठीक है, उनके हाव भाव, उनकी अपेक्षा, इच्छा, आवश्यकता को, ठीक है। तो यही होता है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है, त्रितंत्र सिद्धांत, जिसको कि हम टेरेट्री थ्योरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखता है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने। इन्होंने मानव बुद्धि पर कार्य किया। इन्होंने बताया कि जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल अच्छा हो वो निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो, ठीक है। एक सफल बुद्धिमान व्यक्ति की सफलता उसके बुद्धि पर निर्भर करती है। इन्होंने बताया प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि 3 प्रकार की होती है, इनमें से वे किसी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार की बुद्धि इस प्रकार है। तो जो आपके ये स्टेनबर्ग साहब जो थे, जिन्होंने त्रितंत्र सिद्धांत दिया, उनका मानना क्या था कि जरूरी नहीं है जिसका आईक्यू लेवल हो वही
अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसे लोग भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जो बुद्धि पर निर्भर होते हैं। उस बेसिस पे इन्होंने ये तीन प्रकार दिया है। पहला क्या है, संदर्भात्मक उप सिद्धांत, ठीक है। दूसरा है अनुभव जन्य उप सिद्धांत और तीसरा घटक उप सिद्धांत, जिसको कि हम कॉन्टेक्चुअल सब थियरी बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल सब थियरी बोलते हैं और कंपोनेंट सब थियरी बोलते हैं। अब हम देख लेंगे कि ये सारी थियरीज होते क्या है। यहाँ पे पहला जो है वो है संदर्भात्मक उप सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, इस उप सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने वातावरण के साथ अनुकूलन समायोजन के लिए स्वयं को इस प्रकार तैयार करता है कि उसके पास उपलब्ध सूचनाओं, संशोधन तथा उसकी क्षमताओं का सर्वाधिक उत्तम उपयोग हो सके। यहाँ पे संदर्भात्मक उप सिद्धांत को हम लोग व्यवहारिक बुद्धि भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके नाम से पता चल रहा है कि जो भी हमारे आसपास की चीजें होती हैं, हम उससे अपना काम आसानी से चला सकते हैं, ठीक है। तो इस सिद्धांत का बोलना है कि जो मनुष्य होता है ना, जो व्यक्ति होता है, वो अपने आप को वातावरण के अनुकूल खुद को बनाता है, ठीक है, ताकि जो भी उसके पास उपलब्ध जो चीजें है ना, उसी से वो क्या करे, अपनी क्षमताओं का उत्तम उपयोग कर सके, है ना। वो किसी और चीजों की तरफ नहीं भागता है, वो कोशिश करता है कि जो भी उसको वातावरण से उपलब्ध हो रहे हैं वो उसी से अपनी क्षमताओं को क्या करे, निखारे, ठीक है। अब दूसरा हम देख लेंगे अनुभवजन्य उप सिद्धांत। इसमें क्या कहता है, यह उप सिद्धांत अनुभव से प्राप्त व्यवहारिक ज्ञान से संबंध रखता है, ठीक है। जो भी हम अपने अनुभव से प्राप्त करते हैं ना व्यवहारिक ज्ञान, ये उससे संबंध रखता है। जिन व्यक्तियों में इस प्रकार की बुद्धि अधिक होती है, वे परिस्थितियों की शीघ्रता से समझकर कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। यहाँ पे बोला जाता है कि जिन लोगों के पास ऐसी बुद्धि ज्यादा होती है, मतलब जो अनुभव से सीखते हैं कुछ, तो वो क्या करते हैं, वो किसी भी समस्या को समझ के किसी भी परिस्थिति से वो आसानी से बाहर निकल सकते हैं, आसानी से उस कार्य को आराम से सफल बना सकते हैं, ठीक है। अब हम तीसरा देख लेंगे घटक उप सिद्धांत, जो कि बोलते हैं इस उप सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने की क्षमता है, जिसे घटकीय बुद्धि कहते हैं। जिन व्यक्ति में यह बुद्धि अधिक होती है, वे विश्लेषणात्मक आलोचनात्मक ढंग से सोचने में निपुण होते हैं। तो यहाँ पे ये बोलता है कि विश्लेषणात्मक का मतलब होता है कि कोई भी इंसान, ठीक है, बुद्धि या घटकीय बुद्धि का प्रयोग करके, ठीक है, क्या करते हैं, वो किसी भी समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़कर उसको हल करने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको प्रयास करता है कि वो कैसे इसको हल कर सके, ठीक है। इस बुद्धि में क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो अपनी तार्किक जो होती है ना, समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं और उसमें उनको मदद मिलती है, ठीक है। इस बुद्धि का प्रयोग करके व्यक्ति जो होता है वो किसी भी सवाल का तुरंत जवाब दे पाता है, ठीक है। तो यही होता है आपका घटक उप सिद्धांत, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा आसान सा ट्रिक दिया है, जिसको कि आप याद करके आसानी से इन 10 सिद्धांत को इजी वे में याद कर सकते हो कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है, एक बार बिने ने स्पीयरमैन को 2 नहीं 3 बात बताई, ठीक है। यहाँ पे बिने जो है उन्होंने एक कारक सिद्धांत दिया था, इसी के चलते यहाँ पे लिखा है एक बार बिने ने स्पीयरमैन को 2 नहीं 3 बात बताई, मतलब स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत दोनों को दिया था, इसी के चलते यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पीयरमैन को 2 नहीं 3 बात बताई, ठीक है, कि थ्रोंडाइक की बहू, ठीक है, थ्रोंडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया था, इसी के लिए थ्रोंडाइक की बहू थर्स्टन के समूह में, ठीक है, थर्स्टन के समूह, मतलब थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया था, में बर्ट एवं बर्नन का पद, ठीक है, मतलब बर्ट एवं बर्नन ने क्या दिया था, पदानुक्रमिक सिद्धांत, तीनों बार गिलफोर्ड से ले ली, तो गिलफोर्ड ने क्या दिया था, त्रिआयाम सिद्धांत, ठीक है, गिलफोर्ड ने क्या दिया था, त्रिआयाम सिद्धांत। तो इसी के लिए यहाँ पे लिखता है कि बर्ट एवं बर्नन का पद, मतलब बर्ट एवं बर्नन ने पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था, तीनों बार गिलफोर्ड से ले ली, गिलफोर्ड ने त्रिआयाम सिद्धांत दिया था, ठीक है। फिर गार्डनर के 7 बहुओं ने, क्या, गार्डनर के 7 बहुएं, मतलब गार्डनर ने क्या दिया था, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने 7 तरह की बुद्धि के बारे में बताया था, ठीक है। फिर लिखता है केटल से पूछा, क्या पूछा, खाने में कुछ तरल या ठोस है क्या, मतलब केटल ने क्या दिया था, तरल और ठोस बुद्धि, ठीक है, जिसको कि हम द्रवीकृत और घनीकृत बुद्धि भी बोलते हैं। तब बर्ग ने बोला, हाँ 3 चीजें हैं। बर्ग कौन, बर्ग यहाँ पे है स्टेनबर्ग, जिन्होंने त्रितंत्र सिद्धांत दिया था, ठीक। आई होप कि आपने ये ट्रिक समझ लिया होगा। चलो फिर मैं एक बार फिर से पढ़ के बता देती हूँ। एक बार बिने ने स्पीयरमैन को 2 नहीं 3 बात बताई कि थॉर्नडाइक की बहू थर्स्टन के समूह में बर्ट एवं बर्नन का पद तीनों बार गिलफोर्ड से ले ली।
फिर गार्डनर के सात बहुओं ने केटल से पूछा, खाने में कुछ तरल या ठोस है क्या? तब बर्ग ने बोला, हाँ तीन चीजें हैं। मतलब बर्ग ने यहाँ पे त्रितंत्र सिद्धांत दिया था। ठीक है, समझ में आया? ये आसान होगा। ठीक है, तो आप लोग अगर ऐसे याद करोगे तो आप लोग के लिए काफी ज्यादा इजी होगा। ठीक है, मैंने इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी डाले हैं, तो चलो फिर हम देख लेते हैं वो क्वेश्चंस। ठीक है, ये काफी आसान और मजेदार होने वाला है। चलो फिर हम देखते हैं, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अभी मैंने बताया था ना, क्या बताया था? तो यहाँ मैंने दो नहीं तीन बात बताई। मतलब बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया होगा? स्पीयरमैन ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो यहाँ पे तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर, बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, इसमें गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में सात प्रकार की बुद्धि बताई थी, तो उसमें से ये दूसरी वाली है, तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एमपी टेट में। ठीक है, सी टेट में भी आया है ये सारा क्वेश्चन, बिहार टेट में भी आया है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सी बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो हम लोग यहाँ पे एक बार ऑप्शन पढ़ लेंगे, क्या है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत और समूह कारक सिद्धांत। ठीक है, हम लोग को पता है कि एक तत्व सिद्धांत है, द्वितत्व सिद्धांत है और समूह कारक सिद्धांत भी है। ठीक है, लेकिन प्रत्यागमन सिद्धांत यहाँ पे नहीं है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो आंख खोलिए और यहाँ पर टिक लगा दीजिए, प्रत्यागमन का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन जो पूछता, बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, तो एकल घटक और एकल अव्यय देख के डरना मत, इसका मतलब है कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया है। तो हमने पढ़ा था एक बार बिने ने, मतलब एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बिने ने, मतलब अल्फर्ड बिने ने। तो यहाँ पे टिक लगा देना, अल्फर्ड बिने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? तो हमें यहाँ पे बनना क्या है, एयर फोर्स पायलट। और यहाँ पे बोल क्या रहे हैं, बहुबुद्धि के सिद्धांत। मतलब मैंने बताया था ना कि गार्डनर की सात बहुएं थी, तो सात बहुएं में हम लोग गति देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लगा देंगे गति, क्योंकि हमें पायलट बनने के लिए शरीर में गति की भी जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो बहुकारक, बहु किसकी थी? थॉर्नडाइक की थी। तो डायरेक्ट यहाँ पे लगाना है थॉर्नडाइक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तरल क्रिस्टलीय, किसने पूछा था ये चीज? केटल ने पूछा था ना कि खाने में क्या है, कुछ तरल या ठोस है क्या? ठीक है, जिसको कि हम द्रवीकृत और घनीकृत बुद्धि सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, तो तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पे केटल है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेंगे, द्विकारक सिद्धांत संबंधित है। तो यहाँ पे पूछते हैं कि द्विकारक किससे संबंधित है? तो मैंने अभी क्या बताया था, एक बार बिने ने स्पीयरमैन को दो नहीं तीन बात बताई थी। मतलब शांति से यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना है। मतलब द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। ठीक है, अगर द्विकारक सिद्धांत पूछता है, त्रिकारक सिद्धांत पूछता है, तो डायरेक्टली लगा देना है स्पीयरमैन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोलता है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। तो पूछ रहे जी क्या है? ठीक है, तो हमने अभी अभी बताया था स्पीयरमैन, जिन्होंने द्विकारक सिद्धांत भी दिया था और त्रिकारक सिद्धांत भी दिया था, तो उन्हें जी को क्या बताया था? सामान्य बुद्धि। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देना है सामान्य बुद्धि। ठीक है, यहाँ पे पूछता है त्रितंत्र सिद्धांत संबंधित है, तो किससे संबंधित है? डायरेक्टली हमें लगा देना है स्टेनबर्ग, क्योंकि हमने जब जो ट्रिक पढ़ा था उसमें मैंने क्या बताया था कि गार्डनर के सात बहुओं ने केटल से पूछा, खाने में कुछ तरल या ठोस है क्या? तब बर्ग ने बोला कि हाँ तीन चीजें हैं। तो ये वही वाले बर्ग हैं जिन्होंने त्रितंत्र सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो ये आपके हो गए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेंगे जो बीएड में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, आप जो मैंने स्लाइड दिया है आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, आराम से सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे और आराम से आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, बुद्धि का स्वरूप क्या है? बुद्धि के व्यक्तिक तथा सामूहिक परीक्षणों का तुलनात्मक विवेचना कीजिए। ठीक है, उसके बाद सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग। बुद्धि को परिभाषित करें तथा उसकी प्रकृति तथा उसके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। सब कुछ आपको स्लाइड में मिल रहा है, आपको सब कुछ लिख देना है बिना इधर उधर देखे। फिर पूछता है, बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। आई होप कि आप लोग को सब कुछ क्लियर है। अगर किसी को किसी प्रकार का भी प्रॉब्लम है तो बेहिचक आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके
बता सकते हो, ठीक है? क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको सिखा रही हूँ, तो मैं भी आपसे कुछ सीख रही हूँ, ठीक है ना? तो आपको बिना कुछ सोचे समझे अगर जहाँ कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर कहीं पे चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मेरे लिए आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तो आपको मेरे वीडियो आने का पता चलेगा, ठीक है? अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और भी ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलो फिर आज के वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।